प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लाभार्थियों का सामाजिक मूल्यांकन क्षेत्रीय नगर पर्यावरण अध्ययन केंद्र लखनऊ के संयुक्त निदेशक अंजलि मिश्रा की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में संयुक्त निदेशक अंजलि मिश्रा ने बताया कि पीएम आवास योजना के संबंध में सोशल ऑडिट किया जा रहा है। इसमें ये देखा जा रहा है कि पीएम आवास योजना के संबंध में जो परेशानियां हैं उन लाभार्थियों से सीधी बात किया जा रहा है। हम लोगों ने लाभार्थियों के घर पर जाकर भी मौके का जायजा लिया है। इस समय 3 सालों के ऑडिट किया जा रहा है, इसलिए 3 सालों के लाभार्थियों से भी बात किया गया है कि लाभार्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। यहां पर अधिकतर लोगों ने बताया कि पीने का पानी सही नहीं है और सड़क नहीं बना है और पानी जाने के लिए नाली नहीं है, जिसका रिपोर्ट बनाकर सरकार को दिया जाएगा, जिससे शिकायतों का निस्तारण किया जा सके। आवास आपको घर आके दे देगा, हर कमीशन नहीं मिलेगा। सर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वार्ड नंबर आयुष्मान कार्ड नहीं बना और पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत, इतना गंदा पानी आता है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए क्षेत्रीय नगर पर्यावरण अध्ययन केंद्र लखनऊ के संयुक्त निदेशक अंजलि मिश्रा ने कहा, आज पीएम आवास योजना के संबंध में सोशल ऑडिट किया जा रहा है और उस सोशल ऑडिट में ये देखा जा रहा है कि पीएम आवास योजना से संबंधित जो परेशानियां हैं या जो समस्याएं हैं उनका लाभार्थियों से सीधे संपर्क किया जा सके और उनसे जाना जा सके। इसके पहले हम लोगों ने फिजिकल वेरिफिकेशन भी सुबह जाकर के घरों में किया था और 3 सालों का है ये, 18, 19, 20, 21 का, तो 3 सालों के जो लाभार्थी थे उनके घरों पे जाके भी हम लोगों ने देखा था कि उनको कोई परेशानी तो नहीं है। और जो मुख्य परेशानियां यहाँ निकल के आ रही हैं वो पीने के पानी से संबंधित हैं कि पीने के पानी की सप्लाई सही नहीं है या थोड़ा गंदा पानी आ रहा है। और जो मुख्य एक और समस्या निकल के आ रही है वो सड़क की आ रही है, सड़क कच्ची है या तो या उसमें पानी भर जाता है बरसात में, नाली नहीं है, तो ये समस्या निकल के आई है। इनको हम लोग अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे भी और हम लोग सोशल ऑडिट में ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये योजना प्रभावी तरीके से जिन लाभार्थियों के लिए थी, जिन पात्रों के लिए थी, उन पात्रों तक पहुँची और उसके लिए डूडा ने क्या प्रयास किए, या इनकी जो शिकायतें थी उसकी शिकायत निवारण सेल इन्होंने कोई बनाया है, कोई पोर्टल बनाया है, उसको किस तरह से चला रहे हैं, कैसे इनकी शिकायतें दूर कर रहे हैं, या फिर इनको अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए जो सिस्टम तैयार किया गया है वो क्या व्यवस्था है यहाँ पे। पूरी ईमानदारी के साथ ये योजना लाभार्थी तक पहुँचाई जाए इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है और इस योजना में पारदर्शिता के लिए क्या व्यवस्था की गई, इन सब मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ डूडा के भी ऑफिशियल्स हैं, यहाँ कुछ एनजीओ से भी हैं और पार्षद लोगों को भी बुलाया गया, साथ ही हमारे लाभार्थी हैं, तो हम लोग उनसे देखेंगे इस योजना को पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए जो इसके मापदंड हैं उन मापदंडों को अपनाने के लिए क्या क्या इसमें पैरामीटर्स अपनाए गए हैं और उनमें कैसे और बेहतर सुधार हो सकता है ताकि ये योजना सफल तरीके से लोगों तक पहुँच सके। मेरा नाम डॉक्टर अंजलि मिश्रा है
मैं संयुक्त निदेशक हूँ क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र लखनऊ में।